नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद के अंदर कबाब चीनी यूनानी हर दवा के अंदर कबाब चीनी जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये एक बड़ी ताकतवर चीज होती है। इसे हिंदी के अंदर शीतल चीनी भी कहते हैं, और ये काली मिर्च जैसी होती है और जरा सी पूंछ जैसी इसके होती है और सफ़ेद रंग की होती है। इसको शीतल चीनी के नाम से आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई उर्दू नहीं जानते, इसलिए कबाब चीनी के नाम से आपको नहीं देंगे, या वो पूछेंगे भी क्या है और कैसी है। लेकिन कबाब चीनी और शीतल चीनी एक ही चीज़ है। अब मैं आपको इसके गुण और थोड़े से साइड इफ़ेक्ट। शीतल चीनी को अंग्रेज़ी में कबाब चीनी, ये गलत लिख दिया, अंग्रेजी में नहीं, फारसी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। इसे एक तरह की जड़ी बूटी भी कह सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। शीतल चीनी पौधे के पत्ते पान के पत्ते के समान दिखाई देते हैं। इसके फल का आकार बहुत छोटा होता है और दिखने में काली मिर्च की तरह दिखता है। इसके कच्चे फल को सुखाकर उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग बहुत से व्यंजनों में किया जाता है, लेकिन यह लौंग से बहुत भिन्न नहीं है। यह शरीर के रोगों की रोकथाम बहुत जल्दी करता है। अब मैं इसके आपको जानकारी बताता हूँ। ये शीतल चीनी जो है एक पौष्टिक तत्व है। अब इसके फायदे, शीतल चीनी में डाइहाइड्रोक्सिंडोलुमिन, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नेट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एम्पोजेल और अन्य पौष्टिक तत्व इसके अंदर होते हैं। अब इसके लाभ, शीतल चीनी के लाभ, बहुत प्यारी चीज़ है ये, बवासीर की बहुत अच्छी दवा है। बवासीर एक दर्द नाक विकार है। इसमें मनुष्य को सोच के यानी कि बाथरूम जाने में कठिनाई होती है। इस समस्या से बचने के लिए शीतल चीनी एक अच्छा घरेलू उपचार माना जाता है। इसका उपयोग शीतल चीनी के पाउडर को एक चम्मच गरम दूध में मिलाकर रात में पिए, ऐसा रोजाना करें। इससे आपको कुछ दिनों में बवासीर में आराम मिलेगा। कुछ शोध में शीतल चीनी को अच्छा घरेलू बताया गया है, और ये बवासीर के पाइल्स की एक अच्छी दवा है। खांसी से छुटकारा दिलाने में, खांसी अक्सर फ्लू या वायरस या दूषित पानी पीने से होती है। यदि व्यक्ति का शरीर कमज़ोर है तो बहुत जल्दी हो जाता है। कमज़ोर रोगी को जुखाम प्रणाली में मनुष्य जल्दी खांसी जुखाम की चपेट में आ जाता है। खांसी को दूर करने के लिए शीतल चीनी के चूर्ण का उपयोग लाभदायक होता है। इसका उपयोग शहद से आप इतनी सी ये आधा चम्मच ये और बाकी शहद में मिला के चाटें, सुबह शाम चाट लें। हाँ, ये दिन में दो बार या तीन बार चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ लोगों ने इस घरेलू उपचार को अपनाया था, जो कि सही साबित हुआ था। उन लोगों की खांसी कुछ दिन में ठीक हो गई थी, सर दर्द को दूर करने में। आजकल सभी को सर दर्द की समस्या हो रही है। इसका मुख्य कारण
लैपटॉप पर अधिक काम करना या तनाव हो सकता है। शिद्दत को दूर करने के लिए लोग पेन किलर का सहारा लेते हैं जो हरदम लेना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए कभी कभी शिद्दत ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपचार आपको करने चाहिए, जिसके अंदर ये शीतल चीनी बहुत अच्छा उपचार है। इसके बीज सिर दर्द और माइग्रेन के लक्षण को कम करने में मदद करते हैं। सांस में बदबू आती है, सांस का मतलब मुंह से बदबू आती है, तो खाना खाने के बाद या मसूड़ों से जुड़ी समस्या होने पर मुंह में अक्सर बदबू की समस्या हो जाती है। सांसों की बदबू को दूर करने के लिए शीतल चीनी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें सुगंधित खुशबू और गंदगी दूर करने के गुण होते हैं। ये खराब स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करता है। इसका उपयोग खाने के बाद कर सकते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर हो जाती है। बुखार के अंदर बुखार होने पर शरीर का तापमान बहुत गर्म हो जाता है, जिसे कम करने के लिए शीतल चीनी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से बुखार कम करने के गुण होते हैं। इसे एक अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर अत्यधिक खुशबूदार अत्यधिक बुखार बढ़ रहा हो तो चिकित्सक की सलाह से इस जड़ी बूटी का उपयोग जरूर करें। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शीतल चीनी बुखार के तापमान को कम करती है। थकान को दूर करने के लिए दिन भर की थकान को दूर करने के लिए शीतल चीनी एक अच्छा घरेलू उपचार है। इसका उपयोग शरीर की थकान दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ प्राकृतिक सामग्री होती है जो शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है और थकान को दूर करने में मदद करती है। इसका उपयोग उबलते पानी डालकर करना चाहिए, उबलते पानी में डाल के फिर उस पानी को पीना चाहिए। इन्फ्लुएंजा को भी ये ठीक करती है। इन्फ्लुएंजा एक तरह का बुखार होता है। ये एक अच्छी जड़ी बूटी है जो बुखार को दूर करती है, क्योंकि पेड़ पौधों के बीज बुखार को कम करने में अक्सर लाभदायक होते हैं। इसका उपयोग शीतल चीनी का पेस्ट व गंगेरन को मिलाकर पानी के साथ बच्चों को पिलाएं। ऐसा करने से बुखार में आराम मिल जाता है। बाकी अपने चिकित्सक से राय लें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या नुकसान हैं। शीतल चीनी के फायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये थोड़ा नुकसान करती है, जो इस तरह से है। गर्भवती बहन बेटियां और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक की राय लेनी चाहिए। जिन लोगों को शीतल चीनी का उपयोग करने से एलर्जी की समस्या होती है, उनको इसके उपयोग से बचना चाहिए। इसके अत्यधिक सेवन से, इसकी बहुत ज़्यादा खाने से मूत्र, गुर्दे, भोजन विषाक्तता आदि की समस्या हो सकती है। शीतल चीनी का उपयोग उचित मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। अगर आपको शीतल चीनी के सेवन करने से स्वास्थ्य में किसी प्रकार की अनियमितता हो रही है, तो इसका सेवन करना सीमित कर देना चाहिए और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने वैद्य या चिकित्सक की राय लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये शीतल चीनी, देखो ये जो लिखा वो मैंने आपको बताया, वैसे ये बड़ी ताकतवर चीज़ है। यूनानी चिकित्सा के अंदर कबाब चीनी को, यानी कि शीतल चीनी को, सेक्स पावर बढ़ाने की जितनी भी दवाइयां हैं उनके अंदर मिलाते हैं। अकेली इसका प्रयोग नहीं करते, वो
इसको उनमें मिलाते हैं। दूसरा, मैंने इसका जो देखा है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ठंडक पहुंचाती है, लेकिन मुंह के अंदर जरा सा लगाते ही बहुत चरचराहट होती है। और मैंने इसका तेल भी बनाया जो बहुत कम मात्रा में इसका तेल निकलता है। उस तेल की यूं आप एक उसमें सुई डाल करके और यूं जीभ पे लगा लो तो भी आप उसको उसकी तेजी को सहन नहीं कर सकते, इतना एकदम वो होता है। काली मिर्च कुछ भी नहीं इसके सामने। तो इसका तेल दूसरे तेलों के अंदर मिला करके और घुटनों के दर्द में, कलाई के दर्द में, या जहाँ भी शरीर में वात व्याधि है वहाँ मालिश करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। प्योर इसका तेल मसाज करेंगे तो थोड़ी चमड़ी के अंदर झुनझुन झुनझुन इस तरह से होगी। कबाब चीनी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसको अधिक मात्रा में पेट में नहीं खानी चाहिए। अधिक मात्रा का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको जुखाम और खांसी है, तो इसका पाउडर इतना साग और इतना साग शहद सुबह दोपहर रात को 3 बार आप 3 दिन चाटेंगे तो आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन और चाट लें। अब कई लोग क्या करते हैं कि जिनको बार बार जुकाम होने की प्रवृत्ति है तो वो लोग देखते हैं कि ये चीज़ बड़ी ज़ोरदार है तो वो चाटते ही रहते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इस तरह की अगर कोई की प्रवृत्ति है तो वो अपने डॉक्टर से राय करके, वैद्य से राय करके ही करे। देखो, जिन चीज़ों का लाभ मिलता है अपने को, आयुर्वेद में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि हर चीज़ की अति जो होती है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को कहा कि शिशुपाल तू मेरे को 99 गाली दे दे, कोई बात नहीं है, मैं वहाँ तक सुन लूँगा, अगर तुमने 100वीं गाली दे दी तो तेरा सिर है जो मैं उड़ा दूँगा। तो उसने 99 गाली देने के बाद में 100 गाली पूरी करते ही भगवान ने उसका सिर उड़ा दिया। तो कोई चीज़ की अति, अति का मतलब उसका मिस यूज, अंग्रेजी के अंदर इसको कहते हैं उसका मिस यूज, ये करने से चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, दूध हो, दही हो, छाछ हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो दुनिया की, वो नुकसान पहुंचाएगी। अब नुकसान जिसमें जो गुण होते हैं वैसे ही वो नुकसान पहुंचाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि अगर कई लोगों की आदत है छाछ पीने की, एक गिलास छाछ में सेंधा डाल करके और जीरा और ये डाल करके और उसको पिए, बहुत बढ़िया, खाने के बाद पिए या सुबह पिए आपके जब मन करे, या दोपहर को पिए, रात को नहीं पीना, भूल के भी छाछ को, दही को रात का सेवन नहीं करते। तो इस तरह देखते हैं कि भाई एक गिलास छाछ पीने से बहुत आराम मिलता है तो एक की जगह 1.5 गिलास पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2 गिलास या 2.5 गिलास दिन में 3-4 दफ़ा अगर आपने छाछ पीनी शुरू कर दी तो आपके यहाँ एसिडिटी पैदा हो जाएगी। इसी तरह जैसे बाजरे की रोटी है, तो मान लीजिए आपकी रोज़ आधा खाने की आदत है तो आधी ही खाइए, अगर आपने इतना सा टुकड़ा उसका ज़्यादा खा लिया तो आपको महसूस होगा कि आपके पेट में आराम नहीं है। जबकि गेहूं, बाजरा ये अन्न हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन कैलोरी को जो आप और हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से जो अपने को खाना चाहिए उतने ही खानी चाहिए। जो बहुत कमर तोड़ मेहनत करने वाले आदमी हैं
मजदूर पैसा टाइप आदमी हैं जो दिन भर पत्थर उठाते हैं, खाली करते हैं, वो रोज का 1 किलो अनाज खा जाते हैं। एक आदमी 1 किलो अनाज खा जाता है और दिन में 4 बार खाना खाता है। तो आप उनकी राह में ना चलो, वो दिन भर मेहनत करते हैं, पसीने के अंदर बहा देते हैं और सारी कैलोरी जो एक्सेस उनके शरीर में होती है उसको बर्न कर देते हैं। उनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता और थकावट इतनी होती है कि इस वक्त रोटी खा कर के जल्दी 7 बजे ही मच्छर खाओ चाहे कोई मच्छर का बाप खाओ, वो तो सोएंगे, एक ही नींद के अंदर सुबह उठेंगे और पेशाब करेंगे। जबकि आप और हम घर गृहस्थी वाले जो हैं, ये टीवी देखना और ये मोबाइल देखना, इस तरह से अपनी जो दिनचर्या है उसको अपन ने खराब कर रखी है। खराब करने से हुआ ये कि नींद देर से आती है, पाचन देर से होता है, कब्जी होती है, मेहनत करते नहीं है। तो अपन लोगों को जितना अपनी मेहनत होती है उतना ही खाना चाहिए। ये कभी मत सोचना चाहिए कि ज़्यादा खाने से ताकत आती है, अथवा ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कम खाएंगे तो कमजोरी आएगी। ये सब मनोविकार होते हैं, कोई कमजोरी नहीं आती। एक चपाती और दाल से आदमी सुबह और शाम खा करके तंदुरुस्त रह सकता है। अरे यहाँ तक भी छोड़ो, 1 गिलास दूध गाय का सुबह शाम को अगर वो पिए तो उसको अन्न की और सब्जी की कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं होती। तो अपना स्टेमिना और अपने हाजमा शक्ति और अपने कैलोरी को बर्न करने की ताकत और आप कितनी मेहनत करते हैं उससे कैलकुलेशन करके अपने डाइट को निर्धारित करें। मैंने देखा अक्सर भोजन करने जो लोग जाते हैं, क्या खाते हैं, जितनी तरह की मिठाइयाँ सबके एक एक पीस खाएंगे और घर आकर के कोई उल्टी करते हैं, कोई पेट पे हाथ फेरते हैं, कोई सोडा बाइकार्ब खाते हैं। तो ऐसे खाने से कोई लाभ नहीं। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया, चूँकि कबाब छीनी का इसमें बहुत कम लिखा हुआ था इसलिए इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये अच्छी चीज़ है लेकिन इसका अधिक प्रयोग ना करें। आपको वीडियो अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा काम आपको समझाने का है और आपका काम है जो मेरी अच्छी बातें हैं उनको अंगीकार करें।